بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Dear student, once again, I'm here to record a video lecture of biology for class 10th, and today my topic is food chain and food web. Food chain and food web hamara last top second topic hai. Ecology hum padh rahe hain, man and his environment chapter hai, aur topic aaj ka hai hamara hai फूड चेन एंड फूड वेब. आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे फूड चेन किसे कहते हैं, किन कंपोनेंट से बनता है, और फूड वेब किसे कहते हैं और ये बनते किस तरह है. तो सबसे पहले आ जाते हैं फूड चेन की तरफ. फूड चेन इज द नेम इंडिकेट्स फूड चेन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक रिलेशनशिप का नाम है, और ये रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म में होता है फॉर द सेक ऑफ फूड. फूड हासिल करने के लिए ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और इसी डिपेंडेंसी से बनता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फूड चेन. फूड चेन की हम सिंपल डेफिनेशन करते हैं. फूड चेन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन. मतलब ये हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एक खास रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ईटिंग कर रहा है, वो खुराक यूज कर रहा है, वो खुराक उसकी बॉडी का हिस्सा बन रही है, उसका बायोमैटर डेवलप हो रहा है, और जब उसका बायोमैटर डेवलप हो जाता है तो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाता है और उसको खा लेता है. तो इसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, और ये रिलेशनशिप किस चीज़ का होता है, फूड के लिए होता है. तो फूड के लिए ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी अख्तियार करते हैं तो उससे बनता है हमारे पास एक फूड चेन. रिमेंबर, हर एक फूड चेन के अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंपोनेंट्स होगा प्रोड्यूसर, जिससे फूड चेन की शुरुआत होगी, और प्रोड्यूसर आप जानते हैं कि उन तमाम ऑर्गेनिज्म को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खुराक बना सकते हैं, और तमाम ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. अब प्राइमरी कंज्यूमर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्राइमरी कंज्यूमर उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम कर सकते हैं, जो इनसे डायरेक्ट खुराक लेते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है. और तीसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर आप जानते हैं कि उन ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे जो प्लांट से डायरेक्टली अपना खुराक नहीं ले सकता, ये प्लांट से अपना खुराक इनडायरेक्टली लेगा थ्रू प्राइमरी कंज्यूमर, यानी फूड ये वाला बनाएगा, इससे फूड ट्रांसफ़र होगा प्राइमरी कंज्यूमर में, और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होगा, और सेकेंडरी कंज्यूमर से आगे अगर कोई है टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टनरी कंज्यूमर, तो ये स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे पास होता जाता है. तो हर एक फूड चेन के अंदर मिनिमम तीन आप कह सकते हैं कि कड़ियाँ होंगी. पहले टॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर्स होगा, दूसरे पर होगा प्राइमरी कंज्यूमर, और तीसरे पे होगा सेकेंडरी कंज्यूमर. तो इसी तरतीब से हम एक फूड चेन को अरेंज करेंगे. दोबारा से सुन ले, फूड चेन एक रिलेशनशिप का नाम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं फॉर सेक ऑफ फूड. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है ताकि अपने आप को किसी दूसरे या तीसरे ऑर्गेनिज्म को खिलाएं, इस रिलेशनशिप से बनता है फूड चेन. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये तीन एग्जाम्पल है फूड चेन के. पहले एग्जाम्पल में आप देख लें कॉर्न प्लांट, ये प्रोड्यूसर्स हैं कॉर्न प्लांट, ये फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस करता है, वो फूड इसके बॉडी के अंदर जमा हो रहा है जिससे कॉर्न प्रोड्यूस होते हैं. इस कॉर्न को खाने के लिए रेट इसके ऊपर अटैक करता है, रेट इससे ये फूड खा लेता है, तो खुराक रेट के बॉडी के अंदर आ जाती है, रेट के बॉडी के अंदर वो फूड डाइजेस्ट होता है, और उससे रेट के बॉडी का मैस डेवलप होता है. जो खुराक यहाँ पे रेट की बॉडी बना लेती है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म से ऑल आ जाता है और वो रेट को खा लेता है, तो यहाँ पे ये एनर्जी इधर ट्रांसफ़र हो जाती है. तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्कुल एक चेन की तरह है. ये बंदा सनलाइट से और
सनलाइट की एनर्जी को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ट्रैप कर लेता है, ये एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाती है और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाती है, तो ये रिलेशनशिप कहलाता है फूड चेन। दूसरे एग्जांपल में आप देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल में कैरेट, कैरेट इज प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर, कैरेट प्लांट इसको बनाता है, तो ये कैरेट है इसको हम ले लेते हैं प्रोड्यूसर्स। कैरेट को रैबिट कंज्यूम करता है, रैबिट अटैक्ड ऑन कैरेट और कैरेट को ये कंज्यूम कर लेता है, तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो एनर्जी इधर ट्रांसफर हो जाती है, वो एनर्जी रैबिट के बॉडी का हिस्सा बनती है जिससे रैबिट के बॉडी का मैस डेवलप होता है, उसका वजन बढ़ता है, बॉडी का मैटर बनता है। ये मैटर फॉक्स आके रैबिट के ऊपर अटैक कर लेता है, तो ये मैटर यहाँ पे ट्रांसफर आ जाता है और लाइन इसके ऊपर अटैक कर लेती है, तो इसमें आपके पास चार लोग रिलेशनशिप में हैं। इधर आप कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये टर्शरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी कंज्यूमर है, तो इस आपके पास चार ट्रॉपिक लेवल इस फूड चेन के अंदर आ जाते हैं। और आप नेक्स्ट फूड चेन को देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है ग्रास, ग्रास एज अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स को ग्रास हॉपर यानी हर्बियोर या प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ग्रास हॉपर इसके ऊपर अटैक करता है, इसके लिए इसको कंज्यूम कर लेता है जिससे इसके बॉडी का मैटर बनता है। फ्रॉग आके ग्रास हॉपर को पकड़ लेता है, उसको हंट करता है, उसका प्रीडेटर है, इसको पकड़ लेता है, तो इसके अंदर जो एनर्जी ट्रैप हो गई थी वो एनर्जी इधर ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉग में, फ्रॉग के ऊपर स्नेक या पाइथन अटैक कर लेता है, ये एनर्जी इधर आ जाती है और स्नेक के ऊपर अटैक करता है ईगल, तो ये एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे आपके पास पांच लोग रिलेशनशिप में आ चुके हैं और ये सारे बिल्कुल एक चेन की सूरत में हैं, तो यहाँ पे इसको हम प्रोड्यूसर्स लेते हैं, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये है टर्शरी कंज्यूमर, ये है क्वार्टनरी कंज्यूमर्स, यानी चौथे लेवल पे भी कंज्यूमर आ गया। तो रिमेंबर, हर एक फूड चेन के अंदर मिनिमम तीन लोग होंगे, तीन से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है जी। जिस तरह यहाँ पे तीन से ज़्यादा है तो इसको हम लेते हैं, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया हर्बियोर, ये हो गया कार्नियोर, ये टॉप कार्नियोर और इसको हम कहेंगे वेरी टॉप कार्नियोर, वो इन लोगों के ऊपर फीड करता है, तो इस रिलेशनशिप को कहा जाता है फूड चेन। अब देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक चेन की सूरत में फूड के रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, तो इससे बनता है फूड चेन, राइट। फूड चेन के अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसको हम कहते हैं फूड वेब। फूड वेब को हम डिफाइन करते हैं इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फूड फॉर्म फूड वेब। जब बहुत सारे फूड चेन कंबाइन हो जाते हैं तो इससे एक वेब की सूरत बनती है, एक वेब इससे फॉर्म होता है, उसको कहा जाता है फूड वेब। डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं, व्हेन इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स कंबाइन इट फॉर्म फूड वेब। यहाँ पे आप डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में यहाँ पे फूड चेन दिए गए हैं। सपोज एक फूड चेन दिया गया है कि ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम से दिए गए हैं। यहाँ पे एलजी है, एलजी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर रहता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है अपने लिए और दूसरे इकोसिस्टम के लिए फूड बनाता है, तो ये फूड बना लेता है, ये प्रोड्यूसर्स हैं। इस प्रोड्यूसर्स के ऊपर प्रान एक प्राइमरी कंज्यूमर है, एक मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं और इसके ऊपर ये अटैक करता है और इसके ऊपर ट्राउट फिश अटैक करता है और ट्राउट फिश के ऊपर अटैक करता है किंग फिशर। किंग फिशर एक किस्म का परिंदा है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये एक फूड चेन यहाँ पे हमारे पास बन जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा फूड चेन मौजूद है कि फॉर एग्जांपल ये एक कार्प फिश है, ये अटैक करता है एलजी के ऊपर, ये एलजी को खा लेता है, कार्प के ऊपर अटैक करता है ट्राउट, ट्राउट इसको खा लेता है और ट्राउट के ऊपर फिर किंग फिशर अटैक करता है, तो ये दूसरा फूड चेन बन जाता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट लेते हैं वाटर वीड्स। वाटर वीड्स छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, एक्वाटिक प्लांट, इसके ऊपर फ्लाई, एक छोटी सी फ्लाई आ जाती है, ज़मीन के ऊपर बैठ जाती है और वो इसको कंज्यूम करती है, तो ये हो जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इसके ऊपर अटैक करता है ड्रैगन फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई के ऊपर अटैक करता है फ्रॉग,
तो ये नेक्स्ट फूड चेन हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं वाटर वीक को कंज्यूम करते हैं स्लग्स, स्लग के ऊपर फ्रॉग अटैक करता है, फ्रॉग के ऊपर स्नेक अटैक करता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फूड चेन है, लेकिन यहाँ पे अब हम इससे बनाएंगे फूड वेब। फूड वेब बेसिकली हमें बताता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म टॉप पे होते हैं, ये वाले ऑर्गेनिज्म जो टॉप लेवल पे मौजूद हैं, टॉप लेवल पे मौजूद ऑर्गेनिज़म्स की डिपेंडेंसी फूड के लिए एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज़म के ऊपर होती है। वो एक ऑर्गेनिज़म को कंज्यूम नहीं करता, बल्कि उनके पास चॉइसेस होते हैं और वो चॉइसेस उनके लिए सक्सेस है, एक किस्म की सक्सेसफुल है, उनके लिए एक फ़ायदा है, एडवांटेज है उनके सर्वाइवल के लिए कि फूड शॉर्टेज नहीं आता। अगर एक चीज़ नहीं मिलता तो वो फिर दूसरे चीज़ को कंज्यूम करता है, जिससे उनके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज होते हैं। आप इस डायग्राम को देख लें, इस डायग्राम में सपोज़ प्रॉन आ जाता है, ये एल्जी को कंज्यूम करता है, ये इसको कंज्यूम कर लेता है, प्रॉन को कंज्यूम करता है ट्राउट फिश, और ट्राउट फिश को कंज्यूम करता है किंग फिशर बर्ड। यहां पे इस तरह की जो है वो खुराक जा रही है। दूसरा, इसी इकोसिस्टम के अंदर मौजूद है कार्प फिश, इस एलजी को कार्प फिश भी कंज्यूम कर सकता है। अगर ये वाला ना हो तो दूसरा ये कार्प फिश आ जाएगा, वो इस एलजी को खा लेगा। इस एलजी को खाने के बाद इस कार्प फिश को कौन खा सकता है? ट्राउट इसको खा सकता है। ये छोटा फिश होगा तो ये ट्राउट बड़ा फिश है, ये आके इसको कंज्यूम कर लेगा, तो इसमें खुराक यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। और ट्राउट अगर ना हो तो ये किंगफिशर भी इसको डायरेक्टली यूज कर सकता है ट्राउट की जगह। यानी अगर उसको ट्राउट ना मिले और ये फिश मिल जाता है तो ये इसको भी खा लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके साथ चॉइसेस दो हो गई हैं, ये ट्राउट को भी ले खा सकता है और कार्प फिश को भी खा सकता है। इस तरह ट्राउट के पास भी चॉइस दो हो गई है, ये प्रॉन को भी यूज कर सकता है और कार्प फिश को भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह कहा था कि टॉप पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास चॉइसेस खुराक के लिए ज्यादा होते हैं। फिर हम इधर देखते हैं, ड्रैगन फ्लाई की तरफ आ जाते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई में हम देखते हैं कि ये ड्रैगन फ्लाई, यहां पे इसका शिकार हम कहते हैं ये वाला फ्रॉग कर रहा है, यहां पे ये वाला फ्रॉग इसको खा रहा है। अब ड्रैगन फ्लाई किसको खा रही है? ये शिकार करती है इस फिश का, ये इस फिश को यूटिलाइज करती है, सॉरी इस फ्लाई को यूटिलाइज करती है, ये फ्लाई ये इसको यूटिलाइज कर रहा है। अब यहां पे खुराक, इसके बॉडी के अंदर जो खुराक था वो ट्रांसफर हो जाता है इधर ड्रैगन फ्लाई में, और ड्रैगन फ्लाई को फ्रॉग पकड़ लेता है, तो फ्रॉग इसको यूज कर लेता है। अब इधर हम देखते हैं, यहां पे ये खुराक इससे लेगा, ये वाटर वीड से अपना फूड ले लेता है और ये इसको खा लेता है और ये इसको खा लेता है। फिर नेक्स्ट को हम देखते हैं स्लग, स्लग भी हम कहते हैं ये फीड करता है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर फीड कर रहा है। अगर हम टॉप पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रैगन फ्लाई को हम ले लेते हैं, ये वाला फ्रॉग, ये फ्रॉग इसको यूज कर रहा है, लेकिन फ्रॉग के पास यहां पे चॉइसेस हैं, उसको अगर ये वाला ना मिले तो वो इसको भी यूज कर सकता है, फ्लाई को पकड़कर इसको भी यूज कर सकता है। इसी तरह से हम स्नेक को ले लेते हैं, तो स्नेक इस फ्रॉग को भी यूज कर सकता है, और फ्रॉग की बजाय अगर उसको ये ड्रैगन फ्लाई मिल जाती है तो वो इसको भी यूटिलाइज कर सकता है। और इसी तरह से हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरे इस किंग फिशर को ले लेते हैं, किंग फिशर को अगर ये वाली ना मिले तो ये ड्रैगन फ्लाई को भी ले सकता है, इसको भी खा सकता है। इस तरह फ्रॉग को हम लेते हैं, फ्रॉग को अगर ड्रैगन फ्लाई ना मिले तो ये इसको भी यूटिलाइज कर सकता है। तो इससे हमारे पास बनता है एक वेब, और इसी को हम कहते हैं फूड वेब। तो फूड वेब बेसिकली क्या है? फूड वेब में मुख्तलिफ किस्म के फूड चेन कंबाइन होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन कंबाइन होंगे, वो एक वेब की सूरत अख्तियार करेगा, तो उसको हम कहेंगे फूड वेब। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, फूड वेब हमें क्या बताता है? तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि फूड वेब बेसिकली हमें शो करता है कि ऑर्गेनिज्म जो टॉपिक लेवल पे होते हैं, जो फूड चेन में ऊपर वाले लेवल पे होते हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी खुराक के लिए एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के ऊपर होती है। जिस तरह मैंने किंग फिशर का आपको एग्जांपल दे दिया है कि किंग फिशर नीचे जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं इन सब के ऊपर ये फीड कर सकता है, इसको अगर
ट्राउट फिश नहीं मिलता तो ये कार्प फिश को खा सकता है, ये वाला नहीं मिलता तो इसको भी खा सकता है, ये नहीं मिलता तो इसको भी खा सकता है। तो ये हमें बताता है कि ऑर्गेनिज्म जितना टॉप लेवल पे होगा उसके लिए चूंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, वो इनडायरेक्ट कंज्यूमर्स हैं, सनलाइट वाली एनर्जी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, ये हर्बिवर के ऊपर डिपेंड होता है। तो इनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि इनके लिए फूड के ज़्यादा चॉइसेस मौजूद हो। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما